सो दोस्तों हो जाइए रेडी एक नए वीडियो की अपडेट जानने के लिए। और इस बार हम बात करने वाले हैं छोटी बहू वेब सीरीज जो कि हंटर पे ऑफिशियली रिलीज हो गई है उसके एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि सिमरन की सास सिमरन के पास आती है और सिमरन को बोलती है कि सिमरन बेटा हम एक संस्कारी लोग हैं और तुम्हारा ये पहनावा हमारे संस्कारों के खिलाफ है, तो तुमको नंदिनी की तरह कपड़े पहनने होंगे और उसी तरह बड़ा सा घूंघट भी रखना होगा। ये अपनी सास को जवाब देते हुए बोलती है कि सासू माँ बातें ऐसी है कि संस्कारों में मैं भी मानती हूँ, लेकिन मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ तो मैं नंदिनी भाभी की तरह अपने आप को इन कपड़ों में कैद करने के लिए नहीं रख सकती क्योंकि मेरा ऐसे कपड़ों का दम घुटता है। जी हाँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अब सिमरन की सास सिमरन को बोलती है कि इस घर में तुम्हारे पति के अलावा दूसरे मर्द भी रहते हैं जो तुमको देखते हैं और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये अपनी सास को बताती है कि सासू माँ मैं तुम्हारी इस घर में सबसे खूबसूरत बहू हूँ और मेरी खूबसूरती को देखने पर मैं पर्दा नहीं डालने वाली। जी हाँ, घर के सभी सदस्य मुझे देखे उसमें मुझे मज़ा आता है। अपने पति को मैं बताती हूँ कि घर में मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है और संसद की धज्जियाँ उड़ रही है। छोटी बहू भी अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है तो उसको बताता है कि भगवान तुम टेंशन मत लो, वह घर में अभी अभी नहीं आई है, ना समझ है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। तो यह अपने बेटे को बोलती है कि बेटा तुम ही अपनी बहू को समझाओ कि वह घर में पल्लू डाला करे। अब रात को सिमरन पति के घर में आती है और सिमरन पति को बोलती है कि आज तुम्हारी माँ ने मेरी शिकायत आपसे ज़रूर की होगी कि मैं पल्ला नहीं करती हूँ और मर्यादा में नहीं रहती हूँ, इससे आपको ठेस भी पहुँचती है। तो वह अपने पति को बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हें खुश करने के लिए ही कर रही हूँ, बस तुम खुश होने चाहिए, मुझे दूसरे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दोस्तों उसका पति कुछ और भूल पाए और इससे समझने से पहले ही वो अपने पति को मजा देना शुरू कर देती है क्योंकि आज इन दोनों की सुहागरात होती है। उसके बाद दोस्तों आधी रात में ये अपनी डेट के कमरे वाले में देखती है जेठ जी और जेठानी के बीच में नोकझोंक चल रही होती है क्योंकि जेठानी जी जेठ को खुश नहीं कर पाती है। अब सुबह को सिमरन जेठानी जी से सिमरन को समझाने लगती है कि इसको बोलती है कि तुम बड़ों के सामने अपने आप को अपनी मर्यादा में रखने की कोशिश तो कर रही हो लेकिन तुम्हारे माँ बाप को फोन करके तुम्हारी सारी करतूत बता देंगे। तो सिमरन यहाँ पे मुस्कुराते हुए बोलती है कि भाभी जी तुमको क्या पता है, मुझको समझने के लिए अपने पति को खुश करना सीखो क्योंकि रात में तुम्हारा सारा खेल मैंने देख लिया है, यानी आप अपने पति को बेड पर खुश नहीं कर पाती हो और हम ये सब कुछ आराम से कर पाते हैं, तो आप टेंशन मत लो, मैं तुमको सब सिखा दूंगी। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्कशन होती है और यहाँ पे ही एपिसोड नंबर 3 समाप्त हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियो की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।